प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा करेंगे और जाहिर है कि एक बार फिर से काशी में सौगातों की झड़ी लगने वाली है। काशी दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि काशी लगातार समृद्ध हो रही है, बुनियादी ढांचे, संस्कृति, पर्यटन, वाणिज्य, नए विकास सहित कई क्षेत्रों में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। तो काशी को लेकर ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। हालांकि आपको बता दें कि एक बार फिर काशी जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री तो एक बार फिर से सौगातों की झड़ी काशी में लगने वाली है और वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल ये ट्वीट किया है और 17 दिसंबर को काशी में मौजूद रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल 24 महीने पहले 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तब से अब तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु धाम के दर्शन कर चुके हैं, जिससे पहले 2019 में सिर्फ 69 लाख श्रद्धालु आए थे। अकेले पर्यटन क्षेत्र में 34% अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि पर्यटन क्षेत्र में लगे लोगों की कमाई में 65% की वृद्धि देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर 2 साल पहले वाराणसी को काशी विश्वनाथ धाम की सौगात मिली थी। पहले मंदिर का क्षेत्रफल 3000 था, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 5 लाख वर्ग फुट से अधिक कर दिया गया। इसके साथ ही 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों की पुनः खोज की गई और उसका जीर्णोद्धार किया गया। पीएम मोदी 17 तारीख को नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में पहुंचेंगे। 17 और 18 दिसंबर को पीएम मोदी तकरीबन 25 घंटे काशी में बिताएंगे। 17 दिसंबर को पहले दिन रोड शो होगा, इसके साथ ही भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी लाभार्थियों से संवाद करने के साथ ही फीडबैक लेंगे और काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। और 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। इसके बाद सर्ववीर मंदिर का लोकार्पण भी करेंगे और आखिर में सेवापुरी विधानसभा में जनसभा करेंगे। और प्रयागराज से खबर, जहां पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बम फटने का मामला, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आवंटी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। पीबीसी हॉस्टल के कमरा नंबर 68 का छात्र निवासी छात्र विशाल कुमार और आयुष प्रताप सिंह निष्कासित कर दिए गए हैं। हॉस्टल से निकलकर प्रवेश पत्र निरस्त किया गया है, निकालकर उन्हें दोनों छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 दिन के भीतर भीतर जवाब भी मांगा है। ब्लास्ट में एक छात्र का हाथ उड़ गया था और इसे लेकर अब जो कि यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो सख्त दिखाई दे रहा है। जो आवंटी थे कमरा नंबर 68 के, बताया जा रहा है कि उनका नाम है विशाल कुमार और आयुष प्रताप, जिसे निष्कासित कर दिया गया है, हॉस्टल से निकाल दिया गया है, प्रवेश पत्र निरस्त कर दिया गया है, दोनों छात्रों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 दिन के भीतर भीतर उनसे जवाब मांगा है। हम आपको बता दें कि इसी कमरा नंबर 68 में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक लड़की का हाथ उड़ गया था। बलरामपुर से बड़ी खबर, यात्रियों से भरी हुई रोडवेज बस पलट गई और 2 यात्रियों की मौत हो गई। 16 यात्री घायल हुए हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बलरामपुर से बढ़नी की ओर ये रोडवेज बस जा रही थी। महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के लौकहवा गांव के निकटतम NH 730 पर यह हादसा हुआ है। तो बलरामपुर से बढ़नी की ओर ये बस जा रही थी जो कि हादसे का शिकार हुई है। NH 730 पर यह हादसा हुआ, यात्रियों से भरी हुई रोडवेज बस पलट गई। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।